Hello children, today I'm going to cover a very important part of NPO and that is your subscriptions. ठीक है, ये जो subscriptions वाला part है इसमें बहुत बच्चों को confusion आता है and in this there are two types. Okay, this is today's part one and the second video I will be doing part two. ओके, आपको सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है ऑफ एनपीओ. इनकम है बेटा, तो आप हमेशा इसको कैसे निकालते हो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ का हमेशा हम लिखते हैं कि बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड कि कितनी इनकम आई. ठीक है, हमें ये फाइंड करना है. आपको जो क्वेश्चंस में फाइंड करने को आएगा कि टोटल इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शंस हैं, बिकॉज सबसे पहले आपको हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होता है दैट इज़ योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. एंड इफ़ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू, और यहाँ पे आपको ऐसे रिसीट साइड पे लिखा होगा सब्सक्रिप्शंस. सो आई हैड टोल्ड यू कि रिसीट्स एंड पेमेंट साइड अकाउंट क्या करता है, वो सारी इनकम को रिकॉर्ड करता है, जितने भी पैसे आए हैं, चाहे वो इस साल के हैं, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हैं, जितना भी मनी आया वो सीधा का सीधा कहाँ दिखा देगा? ऑन द रिसीट साइड. लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड चिल्ड्रन इट वर्क्स ऑन अक्रूअल बेसिस. अक्रूअल बेसिस क्या होता है, आपने क्लास 11 में भी किया है कि जितना इस ईयर का इनकम है बस वही एनपीओ को यहाँ इनकम में दिखाना है. अगर कोई प्रीवियस ईयर का मनी इस साल मिला है उसको नहीं लिखेंगे, एंड कोई नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी यहाँ पे आ गया है उसको भी काउंट नहीं करना. एनपीओ वांट्स टू सी कि करंट ईयर की कितनी इनकम है. नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर हमेशा दिया होगा सब्सक्रिप्शन टोटल कितना पैसा मिला. ठीक है, हाउ द क्वेश्चन इट इज शोन, ये टू टाइप्स का होता है. ये पहले फर्स्ट टाइप है, जब आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन का गिवन है. जैसे इसमें गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीट्स कितना हुआ, 2 लाख रुपीस. नीचे एडजस्टमेंट पे सीधा ये भी लिखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019. आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, और हम कब बना रहे हैं, 2020 की, 2020 की बना रहे हो बेटा. एंड आपको बिल्कुल पिछले साल के शुरू में पैसा मिला था, तो ये हमारा क्या हुआ है, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग. आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है. मतलब ये जो 2 लाख रुपीस मिले हैं, इसमें से जो 15,000 है, ये जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे वो वाले पैसे हैं. आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च के पैसे, जो इनमें जो पैसे मिले हैं, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मीन्स प्रीवियस ईयर का मनी. फिर वो ये भी बोलता है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है. इस साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इज 20,000. मीन्स इस साल का अभी 20,000 आना बाकी है. ये है हमारा आउटस्टैंडिंग इस साल का. फिर हमारा है, वो ये भी बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019, कि इसमें जो पैसे मिल गए हैं वो हमें पिछले साल में जो 31 मार्च 2019 में ही शुरू में, मतलब एडवांस इन द बिगनिंग. जब आपने 31 मार्च 2019 को एडवांस मिला होगा, मतलब वो करंट ईयर का एडवांस है. 2020 के पैसे किसी ने 31 मार्च 2019 में ही दे दिए थे. एंड किसी ने एडवांस जब साल के एंड में दिया है, 31 मार्च 2020 लास्ट दे, जो कोई एडवांस दे रहा है तो वो करंट ईयर का नहीं दे रहा है, वो अगले साल का दे रहा है. वो 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का एडवांस जो है अभी दे रहा है. तो ये अगर हम देखें, ये हमारा क्या आ गया, ये वाला आपका कौन सा एडवांस आ गया, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर का एडवांस. ये एडवांस इन जो हमें 31 मार्च 2019 बिगिनिंग में मिल गया था, ये हमारा हो गया करंट ईयर का पैसा. आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 अभी आना बाकी है, इसी साल का पैसा आना बाकी है, तो ये क्या हो गया, करंट ईयर का. एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हमें जो पैसा मिला है ये किसका मिला है, हमें प्रीवियस ईयर का. नाउ दिस इज रिसीट्स एंड पेमेंट, सारा का सारा रिकॉर्ड करता है, बट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ दिखाना है इस साल का इनकम कितना है. इस पूरे 2 लाख में से ये जो 15,000 है बेटा, ये तो क्या है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग. ये तो क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर का मनी है. प्रीवियस ईयर का मनी है तो इसको हमारा इस साल का इनकम नहीं है, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस. आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग
क्या हो जाएगा आपका वो माइनस. क्यों माइनस होगा? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द एंड 20,000 अभी और आना बाकी है. 2 लाख तो मिल गया लेकिन इस साल का 20,000 जो है आउटस्टैंडिंग है और आना बाकी है. आएगा ही इसी साल का है, चाहे बाद में मिले, करंट ईयर का है. तो इसको आप क्या करोगे? प्लस. आउटस्टैंडिंग एट द एंड को क्या करना है? प्लस. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. शुरू में मिल गया था पिछले साल के बिल्कुल शुरू हुआ उस पिछले साल के एंड में, मतलब इस साल के शुरू में ही मिल गया. करंट ईयर का पैसा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवांस इन द बिगिनिंग को क्या करोगे आप? प्लस करोगे. एंड रिसीव्ड इन एडवांस जो ये क्या हो गया हमारा? एडवांस एट द एंड. ये हमारा क्या है? नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है. इसको हमने क्या करना है? माइनस. जब हम ये सब कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है. ये जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये है जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होता है कि इस साल में टोटल कितना मिला, पूरा मिला, जिसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिल गया था, अगले साल का एडवांस मिल गया है, तो ये इस साल का एडवांस भी, ये सारा इसके अंदर है. एंड दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड कि इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है. आपको आएगा फाइंड द अमाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्रेडिट मतलब इनकम. तो आपका इसके अंदर इसको कैसे, यू हैव टू डू इट दिस वे. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम. सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और यहाँ पे हम इनकम साइड पे लिखते हैं. नाउ इफ आई सी द क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, सब्सक्रिप्शन कितना मनी आया है? 2 लाख रुपीज़ आया है. तो यहाँ पे आई विल राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़ आ गया. एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड. आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्योंकि इसी साल का जो पैसा आना बाकी है वो इसी साल का है, आना तो है ही. सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमने क्या करना है? 20,000 को हमने प्लस करना है क्योंकि वो इसी करंट ईयर का है. एड एडवांस इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में जो एडवांस मिल गया था वो हमारा क्या है? एडवांस इन द बिगिनिंग इसी साल का है. वो कितना है आपका? दैट इज योर 30,000. ठीक है, फिर आप क्या लेस करोगे? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि वो हमारा बिगिनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो 31 मार्च 2019 साल के शुरू में पिछले साल का मिला वो प्रीवियस ईयर का 15,000. ये हमें इंक्लूड नहीं करना 15,000 क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है. इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. एंड एडवांस एट द एंड जो हमें एंड में एडवांस मिला है 10,000 जो 31 मार्च 2020 को मिला है, दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर. इस 10,000 को भी हम माइनस करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है. जब 2 लाख में से 2,50,000 माइनस 25, ये कितना आ गया आपका? 2,25,000. दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. कि इस साल का पैसे पूरे जो मिले 2 लाख, लेकिन इस साल की टोटल इनकम सब्सक्रिप्शन की कितनी है? 2,25,000. दिस इज टू बी क्रेडिटेड. ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. इसके बाद आपका दो इफेक्ट होते हैं हमेशा, क्योंकि वो नीचे एडजस्टमेंट पे गिवन था. सी चिल्ड्रन, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है. अगर कोई इनकम अभी तक नहीं मिली है, आउटस्टैंडिंग है, मिलनी ही है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैं 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड. आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था हमारा? 20,000 था. सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा जो है वो आपका इधर आ जाएगा. एंड देन आपका दूसरी चीज, अगर कोई इनकम हमें पहले से ही मिल जाती है, एडवांस में मिल जाती है, इनकम है पहले ही मिल गई है, काम करना है, तो वो क्या है आपका? लाइबिलिटीज है. एंड क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एडवांस एट द एंड जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा वो कितना है हमारा? 10,000. दिस इज विल कम हियर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. ये कब होते हैं? इसके दो केसेज होते हैं. जब रिसीट्स एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन टुगेदर गिवन है तो सीधा फॉर्मूला लगाना होता है. एंड क्या लिखाना होता है हमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा मिला उसमें से क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एट द एंड इसी साल का है, प्लस करोगे. आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में मिल गया वो प्रीवियस ईयर का है, वो माइनस करोगे. क्यों करोगे? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है. एडवांस इन द बिगिनिंग, शुरू में ही एडवांस मिल गया, वो हमारा करंट ईयर का है, उसको प्लस करना है. एडवांस एट द एंड मिला है वो माइनस करना है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है. एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. फॉर द ईयर वाली हमारी कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. दिस इज पार्ट वन. विद द हेल्प ऑफ दिस जो हमने आज क्वेश्चन किया है, इसमें से आपकी बुक का जो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 है. क्वेश्चन नंबर 24 है चिल्ड्रन, एंड दिस वन इन दिस आपका ये सब बुक्स में है, प्रीवियस लास्ट ईयर की बुक में भी है, उससे लास्ट ईयर की बुक में भी है. आपको डिफरेंट केसेस गिवन है, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव. टुडे जो कॉन्सेप्ट किए हैं आपसे, ये सारे केसेस हो जाने चाहिए. ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड आस्क मी योर डाउट्स, एंड टुमारो आई विल बी डूइंग सब्सक्रिप्शंस का पार्ट टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चिल्ड्रन जनरली उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सो उसको बहुत ध्यान से देखना. डू दिस एंड आस्क एनी डाउट्स एनी टाइम. थैंक यू.